खबर बड़वानी से, नर्मदा जन्मोत्सव बड़वानी में नर्मदा को 1100 मीटर चुनरी चढ़ाई, दूध से किया अभिषेक, बड़वानी विधायक भी हुए शामिल, वैगवाटर किनारे पर पैर रखने की भी जगह नहीं। बड़वानी में मां नर्मदा का जन्मोत्सव शहर के समीप वैगवाटर के किनारे उल्लास पूर्वक मनाया गया। इस दौरान श्री 108 राम बाबा के सानिध्य में बड़वानी विधायक राजन मल्लोई की उपस्थिति में मां नर्मदा को 1100 मीटर चुनरी अर्पण की गई। इस मौके पर गाय के दूध से अभिषेक किया गया, मां नर्मदा की सामूहिक आरती हुई, इसके बाद कन्या भोजन और विशाल प्रसादी भंडारे की शुरुआत हुई। मां नर्मदा का जन्मोत्सव बनाने बैकवाटर किनारे बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही पहुंच गए। नर्मदा के बैकवाटर किनारे को भी आकर्षक रूप से सजाया गया। आयोजन स्थल पर रंगोली बनाई गई, रंग रोगन किया गया, गुब्बारों से पूजा स्थल सजाया गया। नर्मदा दर्शन और स्नान करने वालों का भी तांता लगा रहा। बैकवाटर किनारे पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। 108 राम बाबा के सानिध्य में मां नर्मदा को 1100 मीटर चुनरी अर्पण की गई। इस मौके पर गाय के दूध से अभिषेक किया गया, मां नर्मदा की सामूहिक आरती हुई, इसके बाद कन्या भोजन और विशाल प्रसादी का भंडारे की शुरुआत है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज नर्मदा जयंती पर सभी बड़वानी विधानसभा के लोग, कार्यकर्ता और हमारी आम जनता, माता बहनें और पूरे मध्य प्रदेश के वासियों को नर्मदा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नर्मदा माता हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है और नर्मदा नदी हमारे तट पर ही हमारे लिए सौभाग्य है। हमारे आदरणीय श्री राम बाबा के नेतृत्व में लगातार 33 वर्षों से अनवरत रूप से भंडारा हो रहा है और साथ में चुनरी माता के लिए चुनरी यात्रा निकलती है। अभी आपने देखा होगा चुनरी यात्रा निकाली, बड़ी संख्या में भक्त उसमें शामिल हुए। शाम को पालकी यात्रा रहेगी और आज अनवरत दिन में जब से चुनरी यात्रा समाप्त होती है उस चुनरी यात्रा के बाद शाम तक लगातार हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ के प्रसादी ग्रहण करते हैं और अनवरत भंडारा यहाँ दिन भर चलता है। तीन दिवसीय कार्यक्रम शिव पुराण का रहा, इसमें तीन रोज विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। आज नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में हमारे क्षेत्रीय विधायक राजन जी मंडलोई आए, इनके कमलों द्वारा मां नर्मदा जी को 1100 मीटर की चुनरी हो रही और 8 से 10 हज़ार आदमी का मां नर्मदा जी की भोजन प्रसादी बनी है। ये कार्यक्रम समस्त क्षेत्र की जनता से मैं 33 साल से कर रहा हूँ और ये पूर्ण हुआ 33 साल। खबर भारत वर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।